नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। रंगों के त्योहार होली की शुरुआत हो गई है, जिसकी मस्ती का खुमार पूरे देश पर धीरे धीरे चढ़ रहा है। चारों ओर रंग और गुलाल पूरी आबो हवा में धीरे धीरे उड़ रहा है। लेकिन बात ब्रज क्षेत्र की करें तो यहाँ की होली कुछ अलग ही होती है, जो 15 दिन तक चलती रहती है और हर दिन यहाँ पर अलग अलग रंग दिखाई देता है। यहाँ की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और प्रसिद्ध है जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और कुछ इस तरह का नजारा वहां का होता है। हर तरफ खुशी चेहरों पर दिखाई देती है और किस तरीके से वहां पर हर साल होली बनती है उसकी कुछ तस्वीरें देखकर आप समझ पा रहे होंगे। लड्डू मार होली, फूल की होली, लठ मार होली और 15 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम वहां पर इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो अपने आप में होली की खासियत यह है कि तमाम पुरानी बातों को भूलकर लोग यहां पर मिलते हैं, जो गिले शिकवे हैं उन्हें भुलाते हैं और खुशी में सराबोर हो जाते हैं। जिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, मथुरा में मौजूद हैं। जिया, किस तरीके से अब मथुरा में होली का खुमार छाने लगा है? बिल्कुल लोकेंद्र, आप देख सकते हैं कि मेरे आजू बाजू बहुत सारी भीड़ भी जमा हो गई है। धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का आना भी शुरू हो चुका है और कुछ ही वक्त बाद यानी कि 2 से 2:30 बजे के बीच एक भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा, जहाँ पर हर तरह की होली आपको देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि अगर आप बरसाना नहीं जा पाए हैं और अगर आपने 40 दिनों की होली का एंजॉयमेंट नहीं कर पाए हैं तो सिर्फ एक दिन, मात्र एक दिन आप कृष्ण की जन्मभूमि यानी कि पीछे जो आप मेरे मंदिर देख सकते हैं वहाँ पर अगर आप आ जाते हैं, क्योंकि यहीं पर कृष्ण का जन्म हुआ था, यहाँ पर आकर आप इस आयोजन का हिस्सा बन जाते हैं तो आपको 40 दिन की होली में सम्मिलित होने की भी जरूरत नहीं है। आप आज के दिन पूरा आनंद उठा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पूछ लेते हैं हम कि उनके लिए क्या महत्व है, कहाँ से आई है? पहले सबसे पहले यही बताइए। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, रायपुर से। छत्तीसगढ़ से आई है? हाँ। तो कितने साल से आ रहे हैं यहाँ? फिर पहली बार आए हैं? हम पहली बार ही आए हैं, बच्चे हमेशा आते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आके आनंद की अनुभूति हो रही है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम ही आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। व्यवस्थाएँ कैसी है यहाँ की? बढ़िया है, बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस चलिए, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, यहाँ पर आ जाइए आप। कहाँ से आई हैं? मैं भी रायपुर से आई। रायपुर से आई, कैसा लग रहा है यहाँ आके? तो बहुत अच्छा लग रहा है और होली खेलने का यहाँ जो आनंद है वो दुनिया में तो कहीं नहीं है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि सिर्फ इंडियंस नहीं, यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो आपको कितना इम्पोर्टेंस लगता है इस होली का, कितना महत्व लगता है? होली का तो खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जैसे आप भी बता रही थी कि 40 दिन से भी यहाँ पर होली मनाई जाती है, महीने भर लोग होली मनाते हैं और लोग दुनिया से, सिर्फ भारत से नहीं, दुनिया से आते हैं लोग यहाँ होली मनाने। और मेरे ख्याल से जो विदेशी लोग आते हैं यहाँ होली मनाने, उन्हें भी भारत का एक नया रंग यहाँ देखने को मिलता है और वो भी इक्वली इंजॉय करते हैं जितना हम इंडियंस इंजॉय करते हैं। बिल्कुल, आपने ये मंजीरे लेकर रखे हुए हैं, क्या मजा आता है इसके साथ, मंजीरों के साथ? जब भी आप भजन कीर्तन कुछ भी करिए तो ये तो एक अलग ही मजा देते हैं घर पे। इनसे पूछ लेते हैं, हमारे साथ और भी सारे लोग हैं। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ जी, जी। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगता है। पहली बार आए हैं? नहीं, तीसरी बार है। तीसरी बार आ रहे हैं तो क्या कहेंगे कि हमेशा आते रहेंगे यहाँ? हमेशा आते रहे, बहुत ही मजा आता है यहाँ आने से। कहाँ से आए सर? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कृष्ण की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, रोचक कहानियां हैं, वो सुनी होंगी। क्या यहाँ आकर उनका एहसास होता है कि हाँ यहाँ पर अभी भी कृष्ण वास करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आनंद लगता है। हाँ। और कृष्ण जी की होली में यहाँ आना, मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और होली पर्व जो है मथुरा में बहुत बढ़िया आनंद भय मनाता है। और कृष्ण जी कहें राधे राधे, सब आनंद भयो, सब आनंद भयो, सब आनंद रहो, सब आनंद भयो। जय लाल की, जय कन्हैया लाल की। अच्छा, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो किस तरह की सुविधाएं व्यवस्थाएं यहाँ पर लग रही हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, सुविधाओं की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, और जान लेते हैं कि क्या कोई दिक्कतें तो यहाँ पर नहीं हो रही है। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से आए हैं। क्या दिक्कतें हुई कोई की अच्छी सुविधाएं? नहीं, एक्चुअली हम हर साल यहाँ पे आते हैं, लेकिन पिछले साल आए थे तो देखा था, अभी बहुत ज़्यादा मीन्स क्लीनलीनेस के बारे में बहुत सही है और आयोजन भी बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और जगह जगह पे सब पुलिस खड़े हैं, वो गाइड करे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है,
तो इट इज वेरी नाइस। अच्छा, मतलब कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो नहीं हो रही है बिल्कुल भी यहाँ पर? सेफ्टी भी काफी अच्छी है और सिक्योरिटी और सफाई बहुत है। जैसे मैं जयपुर से आया हूँ, जयपुर से आए हैं, जैसे पहले यहाँ पे बहुत सारे कैटल्स गाय भैंस रहती थी, इस बार पूरा क्लीन है, बहुत सफाई है। और बेसिकली हम लठमार होली देखने आए थे, वो बहुत फेमस है यहाँ पे। लठमार होली में क्या आपको अच्छा लगता है? इसमें तो हुरियारों को पीटना होता है, क्योंकि उसमें तो हुरियारे जो है वो पिटते हैं। लेकिन हमने सुना है जो पिटता है वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, वो शुभ रहता है। अच्छा, आपकी वाइफ का प्रेम भी आपको इससे मिलता है। आप इधर आइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आई आप? अब मैं महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र से आई? अब मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। कब से आ रही है आप? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा कि हर वर्ग के लोग, युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, कैसी भी कंडीशन हो, सब यहाँ पर आकर एक आनंद उठाते हैं। क्या लगता है यहाँ का इतना महत्व है और यहाँ आकर आप एक पॉजिटिविटी फील करते हैं? यस यस, एक्चुअली बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। पीसफुल है, जो भी ओल्ड मतलब कि मींस जो भी ओल्ड है उनको काफी यहाँ पर पीसफुल लगता है और दे फील लाइक सम पॉजिटिव एनर्जी विच इज लाइक द सम कुछ वो जो पॉजिटिव एनर्जी भगवान से आती है उनको। अच्छा, उससे उनकी लाना कितना जरूरी है कि वो भी हमारी संस्कृति को देखें जो बरसों पुरानी परंपरा है। आना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे फॉरेन चले जाएंगे या फिर किसी मल्टी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहेंगे तो माइट भी उनका मतलब जो ब्रॉटअप होगा वो उस तरह से नहीं होगा। बट अगर ऐसी जगह पर आएंगे जहाँ पर मतलब हमारे पुराणों के बारे में, हमारे भगवान कैसे बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुए थे, उनकी परवरिश कैसे की गई थी, तो हाँ मतलब वो भी वो एक कल्चर प्रॉपर। इस मंदिर के का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है यहाँ का, कोई बता पाएगा कि कितना बड़ा इतिहास है, क्या परंपरा यहाँ से चली आ रही है? यहाँ पे एक्चुअली कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। कृष्ण भगवान देवकी मैया और वसुदेव महाराज के 8वें संतान माने जाते हैं। तो यहाँ पीछे ये कारागृह है, वहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऊपर जी कारागृह के ऊपर एक मस्जिद नुमा कुछ गुम्बद है। एक्चुअली जब औरंगजेब आया था तो ओरिजिनल जो मंदिर था उसको तोड़ के और उसने वो गुम्बज और मस्जिद स्थापना करी थी। लेकिन उसी तरह से फिर हमारे जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने बाद में उसको तोड़ के वापस अपना जो मंदिर था वो स्थापना करी। लेकिन अभी भी जो मुस्लिम के जो गुम्बज हैं जो मस्जिद के वो अभी भी इसके ऊपर। ये बहुत अच्छी बात है कि हर धर्म के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म यहाँ पर आता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक कास्ट के लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं, बाहर से भी लोग आता है यहाँ पर आते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण जो सबके मतलब भगवान है और उनका उनका जो आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आते हैं ना इस नगरी में, ये धार्मिक नगरी है और यहाँ पे वो सब कृष्णमय हो जाते हैं, इससे बढ़िया कोई सुख नहीं होता है। हम दोनों अहमदाबाद से आए हुए एंड वी आर रियली प्रिविलेज्ड टू बी हियर दैट ऐसी नगरी और ऐसा सुख कोई करोड़ों रुपया देने से भी नहीं मिलता है। दिस इज वेरी एंड एक्चुअली मंदिर जो है वो एक्चुअली मस्जिद के नीचे है, दब गया हुआ है ऐसा हमको बताया गया है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा है, सिटी भी वेरी क्लीन है एंड वी विल कम एवरी ईयर, ऐसा हमारी इच्छा है, आगे तो ठाकुर जी की इच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर साल आने की यहाँ पर इच्छा है। पीछे कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, आप आगे आ जाइए। और रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इनसे भी जान लेते हैं कहाँ से आए आप। मैम वी आर कमिंग फ्रॉम बिहारी जी टेम्पल वृंदावन। अच्छा, वृंदावन से आए जी। मैम माला और मैम मैं वही मंदिर से दिया है तो पूरा रंग में हो चुके हैं। मैम बहुत होली हो रही है, जबरदस्त। आप कहाँ से आए? हाथरस से हम। तो आप भी रंग में अब रंग चुके हैं, कब तक रुकेंगे यहाँ पर? यहाँ पे हम शाम तक 5 बजे तक। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आगे आइए, आप कहाँ से आए? हम फरीदाबाद से आए हुए हैं, सारे हमारे फ्रेंड भी है, कंपनी से हम लोग आए हुए हैं देखने के लिए। होली यहाँ की बहुत अच्छी है। क्या महत्व मानते हैं होली का? या इस होली के महत्व मानते हैं, मथुरा की जो होली होती है स्पेशली होती है पूरे इंडिया में, जो होली की खास मथुरा में और कहीं नहीं मिलता है। वो व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? व्यवस्था बहुत अच्छी है। किस तरह की व्यवस्था आपको अच्छी लगी यहाँ पे? पूरा समाज प्रशासन की जो छोड़कर जाना है, कैसी व्यवस्था अच्छी लग रही है? एक तो जो यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट है वो बहुत अच्छा है, उसके अलावा जो अंदर व्यवस्था की हुई है खाने पीने की सब व्यवस्थित है। कोई भी मतलब अगर कोई शॉप वाला भी कुछ दे रहा है तो वो उसको पॉलिथीन को फाड़ के उसे पैकेट में डाल रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी फेंक दिया, बिल्कुल साफ सुथरा मंदिर पड़ा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए पीछे ढोल नगाड़े भी बजने लगे हैं, यानी कि कुछ ही पल बाद होली का जो आयोजन है, जो भव्य आयोजन है, उसकी शुरुआत भी होने जा रही है और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। सर साइड होएगा,
ये पीछे आपको मैं बता दूं कि ये पीछे जो लाइन आपको दिख रही होगी और साथ ही जो चेकिंग हो रही है वहां पर लोगों का सामान चेक किया जा रहा है और जो बड़े बैग्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं वो दूसरे एक रूम में रखे जा रहे हैं जिसको सामान घर कहा जा रहा है। आप मंदिर के बगल में देख सकते हैं वहाँ पर क्लॉक रूम बनाया गया है सामान घर जहाँ पर लोग अपना सामान रख सकते हैं और यही वजह है कि इस बार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, यही लोगों का कहना है। और देखिए लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि जयपुर हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस होली का आनंद उठाना चाहते हैं। बस एक ही मांग है कि इस होली में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आकर आप रंगमय हो जाएंगे, कृष्णमय जो माहौल है उसका आनंद आप उठा पाएंगे। अभी आपको मैंने चलती हुई देखिए बगल में यहाँ पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहाँ पर ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और लोग यहाँ पर खुद लुत्फ भी उठा रहे हैं। ही अनुभूति होगी, तमाम जो दिक्कतें हैं वो तो दूर होगी ही, साथ ही परेशानियां वहीं पर छोड़कर आ जाएंगी ये तय है। जी एक और चीज है क्योंकि आपने कहा कि 2 बजे के बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके लिए बकायदा वहां पर तैयारियां की गई हैं, लेकिन जो लोग वहां पर जा रहे हैं उन्हें विशेष तौर पर कुछ बताया गया है ताकि किसी भी तरह का नुकसान उन्हें ना हो, क्योंकि होली जब हम खेलते हैं तो कहा यह जाता है कि कुछ सावधानियां जरूर बरतें, ऐसी कोई गाइडलाइंस वहां पर जो मंदिर प्रबंधन है उसकी तरफ से की बताई गई है क्या लोगों को? तस्वीरें अपने आप में बेहद खास और ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, अलग ही उल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही मथुरा है, यही इसकी खासियत है कि यहाँ पर हर कोई आनंदमय हो जाता है, कान्हा की जो लीलाएं हैं उनको समझने लगता है, जानने लगता है और जो अपनी परेशानियां हैं उन्हें पीछे छोड़ देता है। और देखिए बच्चे हो बड़े हो, बहुत तेज है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसा भी मौसम हो कुछ भी हो यहाँ पर लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए आते हैं और वो है आनंद उठाने के लिए, कृष्ण के दर्शन करने के लिए और वो चीज वो करते हैं यहाँ पर आकर। डांस किया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है और लोग अंदर जा रहे हैं मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और
की नगरी में किस तरह की तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर थिरकते हुए ढोल पर नजर आ रहे हैं लोग और एक अलग ही माहौल है आज के दिन। 2 बजे के आसपास जिस तरह से जानकारी मिल रही है कार्यक्रम वहां पर होगा जो मंदिर प्रांगण में होगा और उसके लिए भी विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं। जी हाँ, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा यहां पर कि जो लोग गुलाल उड़ा रहे हैं ये किसी को हार्म ना पहुंचाए, वहां पर नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए कोई गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी की गई है कि किस तरीके से होली वहां पर खेलनी है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे दूसरों को सुरक्षित रखना है? जा रही है तब से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और इस बात पर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि कोई किसी को परेशान ना करे, कोई यहाँ पर हुड़दंग ना मचाए और यही वजह है कि पुलिस बल यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रखा हुआ है। गेट से लेकर मंदिर प्रांगण के बाहर जो मार्केट है वहां तक जहां से गाड़ियां अंदर आती है, क्योंकि ट्रैफिक रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो और यही वजह है कि यहाँ पर आज सफलतापूर्ण तरीके से इस आयोजन का भी ख्याल रखा गया है, आयोजन किया गया है। और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे पीछे आप बहुत सारी भीड़ भी देख सकते हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं। और बाकी लोकेंद्र 2 बजे के बाद जब शुरू हो जाएगा प्रोग्राम उसके बाद चार तरह की अलग अलग तरह की होली हमें देखने को मिलेगी और देखना होगा कि इसमें लोग कितना आनंद उठाते हैं। जी हाँ, जो आपके लोग पीछे खड़े हैं जी, हम चाहेंगे कि एक बार और उनसे बातचीत करें कि मथुरा में जब वो आए हैं तो किस तरीके से आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही है और 2 बजे जो कार्यक्रम होना है उसके लिए कितने तैयार हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल लोकेंद्र, कहाँ से आए सर आप? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। खूब नाचे आप आज? नहीं नाचेंगे, क्यों, हम लोग सोल्जर्स हैं, हमारी पूरी टीम है, हम लोग आए यहाँ पे क्योंकि हमें थोड़ा सा समय मिल रहा है। For reporting of our Indian Army, Indian Air Force, I love Jee News personally. Thanks to Sudhir Chaudhary. बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि आप सोल्जर हैं, इंडियन आर्मी से हैं और यहाँ पर आए हैं। अभी थोड़े देश के हालात भी ऐसे थे लेकिन यहाँ पर आप आके आप रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन भी पीछे है, सिर्फ कृष्ण की भक्ति में आप डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी जो मौका है हम कृष्ण की भक्ति में है, जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे हम अपने कार पे फिर से लग जाएंगे और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि आप सुरक्षित हैं, हम अपनी रक्त की आखिरी बूंद तक आपकी रक्षा करेंगे। एक चीज और कि होली के लिए हाउ द जोश? जोश इज वेरी हाई सर, हाउ द जोश? तो देखिए होली मैम, होली के लिए भी जोश एकदम हाई है और कुछ सोल्जर्स भी हमारे साथ आए हुए हैं, लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं, सभी रंग में रंगे अलग अलग तरीके से नजर आ रहे थे। हाँ जी, अलीगढ़ से आजकल एक है भगवान कृष्ण नगरी में, अगर कुर्बान हो जाए कोई टेंशन नहीं है। देखिए सभी होली के रंग में लगे नजर आ रहे हैं और किसी को किसी की चिंता नहीं है, आज कोई बात की टेंशन नहीं है और शायद इसीलिए मथुरा में लोग आते हैं, मथुरा में होली मनाते हैं ताकि उन्हें कोई टेंशन ना रहे, एक दिन कम से कम वो अपने जीवन का हर वो कार्य कर सके, हर वो मस्ती कर सके, रंग गुलाल एक दूसरे को लगा सके और कोई टेंशन आज जी। इस बार ये जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं कुछ संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं क्या, किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं, और कान्हा की नगरी से कोई इस तरह का संदेश इस बार देने की कोशिश हुई है क्या? बिल्कुल, स्वच्छता को लेकर देखिए सभी गंभीर हैं और लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण भी चलता रहता है और इस नगरी को उतना ही स्वच्छ बनाए रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में इस महीने में अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे गंदगी ना हो, स्वच्छ रहे शहर पूरा, किस तरह से इंतजाम किए गए? व्यवस्था बहुत अच्छे नजर से है। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, स्वच्छता भी अभी है और यहाँ पर प्रशासन भी काफी अच्छा है, यहाँ प्रशासन की सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है और एक चीज और हमने नोटिस की वो ये कि हर जगह मंदिर प्रांगण में अलग अलग जगह डस्टबिन भी रखे हुए हैं तो वहाँ पर आप सूखा कचरा गीला कचरा डाल सकते हैं। आइए सर, मैडम इधर आइए, कहाँ से आए आप? झांसी से। कितना मजा आता है यहाँ पर आकर? यहाँ पर हम लोग हर वर्ष आ रहे हैं कई वर्षों से, हम लोग मतलब
घर भी पहुंच जाते, घर की भी होली जाती है और यहाँ चार पांच दिन इतनी मस्ती करके जाते हैं। हम लोग ग्रुप में आए हुए हैं 8-10 लोग, हम लोग यहाँ 6 वर्षों से आ रहे हैं लगातार लगातार। अच्छा, 6 वर्षों और इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं कुछ अलग है, अच्छी बहुत बहुत, पिछली बार लगातार सुधार होता जा रहा है। इस वर्ष मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी विशेष पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन इस बार लगातार निरंतर व्यवस्थाएं सुधर रही है। आप यहाँ देखिए पार्किंग को लेकर, भीड़ का जो गैदरिंग को लेकर सिस्टमेटिक ढंग से रोक रखा है, इतना प्रॉपर हो रहा है कि वास्तव में काबिले तारीफ है। जय मोदी जय योगी। देखिए होली के रंग में राजनीति ना डाली जाए, सिर्फ कृष्णमय हो जाए आज, तो कृष्ण जी के लिए भी नारे लगाए जाए। जी बोलो लोग हैं उनमें भी उतना ही उत्साह है। अच्छा, थोड़ी देर बाद अंदर कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा, 2 बजे के लिए, 4 बजे से स्टार्ट होगा, 2 बजे से स्टार्ट इनका कार्यक्रम हो जाएगा। जी कौन कौन सी होली होती है अंदर? यहाँ आज लड्डुओं की होली खेली जाएगी, द्वारकाधीश से अभी, द्वारकाधीश से अभी डोला निकला जाएगा, अभी हम सभी लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से डोला के साथ आएंगे और 2 बजे यहाँ पे, 4 बजे से यहाँ पे लठमार होली खेली जाएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम है आज का। और जो हम किससे लठ खाने की उम्मीद है आपको? वो हम खाने के लिए आए, आप देखते हैं यहाँ पे उम्मीदें हमारी किससे लठ खाने की पूरी होती है। 4 दोस्त आए हैं बड़ी दूर दूर से, ये बनारस से, दिल्ली से आए, चंडीगढ़। आप कहाँ से हैं? दिल्ली 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 मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। यूपी कैसा लग रहा है? जबरदस्त, हमेशा अच्छा लगता है इसलिए हर बार आते हैं। ये भी देख रहे हैं पूरी तैयारी के साथ आए हैं आप लोग, राधे राधे आपके कुर्ते पे लिखा है, आपके स्टॉल पे लिखा है, गमछे पे लिखा है, तो पूरी तैयारी के साथ हर साल आते हैं। यस, हर साल आते हैं। हमारा तीसरा भक्ति है उसमें भी डूबे हुए हैं और होली खेलते हुए, हंसते खेलते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तमाम जो तनाव है उसको कान्हा की नगरी में भूल चुके हैं। नाच गाना लगातार चल रहा है और अभी तो और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होगा। जिया बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम ये खास तस्वीरें दिखाने के लिए। जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाए वो जरूर आनंद महसूस कर रहे होंगे इन तस्वीरों को देखकर।